DGISPR दोपहर 2:15 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दाखिली सलामती और दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम पर ब्रीफिंग देंगे। मोहसिन नकवी की डिप्लोमेसी सदर और वजीर आजम की जफ़ी काम कर गई। मौलाना फजल रहमान हुकूमत से तआवुन पर तैयार, कहते हैं कि फॉर्म 45 की हो या 47 की, अब इसी हुकूमत से काम लेना है। वतन के लिए हर कुर्बानी देंगे। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर का मैदान जंग है। केपी और बलोचिस्तान में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। फैसलाबाद का घंटाघर और अमृत धारा बनने से मसला हल नहीं होगा। मामला सियासतदानों के हवाले किए जाएँ, सियासी लोग ही मसाइल हल कर सकते हैं। बलोचिस्तान आग में जल रहा है, किसी को फिक्र नहीं। अख्तर मैंगल से कहा है वो इस्तीफा वापस लें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बिजली सस्ती करने का ऐलान करके अगले ही दिन बिजली महंगी कर दी गई। फॉर्म 47 की हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। हुकूमत का इस वक्त कोई मुस्तकबिल नहीं। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। तुर्किया के सफीर डॉक्टर महमद पाचाजी की वजारत दाखिला मंद वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दहशतगर्दी के खात्मे, पुलिस और सिविल आर्म्ड फोर्सेज के शोबों में तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान परवाजों की तादाद बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से तुर्किया के तआवुन का खैर मकदम करेंगे। मोहसिन नकवी का तुर्किया हुकूमत की दावत पर अक्टूबर में तुर्किया का दौरा करने का ऐलान। £190 मिलियन करप्शन केस, बुशा बीबी की दरख्वास्त से बरियत पर फैसला आज सुनाया जाएगा। नए बुशा बीबी की बरियत की दरख्वास्त की मुखालफत कर चुका। असलहा और शराब बरामदगी केस, अली अमीन गंदापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत का आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। तिबी बुनियादों पर अली अमीन गंदापुर की हाजिरी की दरख्वास्त मुस्तरद की जा चुकी। अली अमीन गंदापुर ने हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाईकोर्ट से रजू कर लिया। अली अमीन गंडापुर अक्सरियत खो चुके, असम्बली से एतमाद का वोट लें, अक्सरियत साबित करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का खड़ाक। गवर्नर ने मजीद कहा कि वजीर और मुशीर क्यों बदले जा रहे हैं, करप्ट और नाहल हैं तो सजा क्यों नहीं दे रहे। बलदियाती इलेक्शन की बेल मंडे ना चढ़ सकी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। शहर इक्तदार में बलदियाती इलेक्शन 9 अक्टूबर को शेड्यूल थे, बलदियाती कानून में तब्दीली के बाद इंतखाबात रोके गए। गुजरांवाला में कैंटीन मुलाजिम की दरिंदगी। गवर्नमेंट फॉर्मल एजुकेशन स्कूल सलीम कॉलोनी में बच्चियों से मुबैना ज्यादती का इंकशाफ। मुलजिम इमरान ने कम उम्र लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाया। सीपीओ गुजरांवाला का सख्त नोटिस, मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कैंटीन मुलाजिम गिरफ्तार। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकुम रबीउल अव्वल कल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 सितंबर बरोज मंगल को होगी। चेयरमैन मरकजी रुयते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने इस्लामाबाद में रुयते हलाल कमेटी के इजलास की सदारत की। इस्लामाबाद में मतला भर आलूद, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर और बालाई इलाकों में बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुजवी अबर आलूद रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। मक्का मुकरमा में शदीद बारिश, सैलाबी रैले में 4 बहन भाई बह गए। सऊदी रेस्क्यू के मुताबिक लापता बच्चों को तलाश कर रहे हैं। लापता होने वाले 4 बच्चे गाड़ी में बैठे थे। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को झटका, हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात NDP का हुकूमत से अलीहदगी का ऐलान। जगमीत सिंह का वीडियो पैगाम में जस्टिन ट्रूडो पर लिबरल्स को कमजोर करने का इल्जाम। कहा कंजर्वेटिव 2025 के इंतखाबात बासानी जीत जाएंगे। ट्रूडो को बजट की मंजूरी और एतमाद के वोट के लिए हिजब इख्तलाफ से नया इत्तेहादी तलाश करना होगा। इंसानियत के लिए बेमिसाल खिदमत, मदर टेरेसा को पिछले 27 बरस बीत गए। तमाम उम्र फलाही कामों में बसर की। कलकत्ता में 60 बरस गरीबों और नादार मरीजों की देखभाल की।
मदर टेरेसा को 1989 में नोबेल इनाम से नवाजा गया। है लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चैरिटी डे मनाया जा रहा है। मकसद दुनिया भर के बेसहारा और जरूरतमंद अफराद की मदद करने की अहमियत को उजागर करना है। दीन इस्लाम में भी मुसलमानों को इंसानियत की फलाह के कामों का खुसूसी हुक्म है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में पहला फैशन शो। डिजाइनर्स ने जंग की हौनाकियों को उजागर किया। मॉडल्स की रंग बिरंगे मलबूसात पहनकर रैंप पर वॉक। ड्रोन के लूटने पर मद्दाह खुश। हानिया आमिर की जाली नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अदाकारा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर निजी न्यूज वेबसाइट की खबर का स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। मस्नूई जहानत के गलत इस्तेमाल और कवानीन की अदम मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। काला जोड़ा काला चश्मा खुशगवार मूड। अदाकारा सबा कमर स्कर्दू के दिलकश नजारों में खो गई। वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लाहौर में अफसरान और अहलकारों के लिफ्ट लेने पर पाबंदी आयद। रिंग रोड जीटी रोड मोटरवे पर लिफ्ट लेने वालों को मुअत्तल किया जाएगा। डीआईजी पीएचपी की जानिब से हुक्मनामा जारी। आइंदा गाड़ियां रोक कर लिफ्ट लेने वालों के खिलाफ कड़ी महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। है लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चैरिटी डे मनाया जा रहा है। मकसद दुनिया भर के बेसहारा और जरूरतमंद अफराद की मदद करने की अहमियत को उजागर करना है। दीन इस्लाम में भी मुसलमानों को इंसानियत की फलाह के कामों का खुसूसी हुक्म है। और मुनफरिद आवाज तीखा अंदाज लेजेंड अदाकार आबिद अली को मद्दाहों से बिछड़े 5 साल हो गए। ड्रामा वारिस से शोहरत मिली। मकबूल ड्रामों में प्यास दूरियां मेहंदी दरिया दिल शामिल।